पिछले कई महीनों से इसराइल और फिलिस्तीन की जंग जारी है। इस बीच सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करने लगा। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा मामला बताया है। इस ट्रेंड का अब इसराइल ने काउंटर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसराइली प्रधानमंत्री की सरकार ने लिखा, वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर 7, मतलब 7 अक्टूबर को आपकी आंखें कहाँ थी। इस पोस्ट के साथ ही एक इमेज भी शेयर की गई। तस्वीर में हमास के एक आतंकवादी को एक बच्चे के सामने खड़ा दिखाया गया और कहा गया कि हम 7 अक्टूबर के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात करना कभी बंद नहीं करेंगे। हम बंधकों के लिए लड़ना भी कभी बंद नहीं करेंगे। दरअसल 7 अक्टूबर वो तारीख है जब हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में हमला कर दिया था। हमले में करीब 1160 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकवादियों ने करीब 250 लोगों को बंधक बनाया, जिसमें एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई। इसराइल ने जब फिलिस्तीन पर हमला किया तो ऑल आइज़ ऑन रफा ट्रेंड करने लगा। तो इसराइल ने सवाल करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को आपकी आंखें कहाँ थी। उस वक्त तो किसी ने स्टोरी नहीं डाली। दोनों देशों की जंग के बीच इस तरह इंडियन सेलिब्रिटी का स्टोरी डालना हिंदुस्तान में मुद्दा बन गया है। ट्रेंड को देखते हुए सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि रफा में हुए हमले की हिंदुस्तानी इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब कश्मीरियों पर हमला किया गया और उन्हें मारा गया। तब तो किसी ने कोई स्टोरी नहीं डाली, ना ही किसी कश्मीरी को सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप का ये भी कहना है कि जितने भी एक्टर्स ने स्टोरी डाली है उन्हें इसका पैसा मिला है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता चला, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स अपने अपने मतों को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ हिमानी श्रोत्रिय, देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए नेशन मिरर।